फ्रेंड्स, आज की ये कहानी बदल देगी आपकी जिंदगी। विवाह के साथ पवित्र वचन और महत्व। दोस्तों, यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाएगा। यह वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सात के अंक का बहुत महत्व है। सात अंक बहुत शुभ माना गया है। इसे मंगल, लाभ और सुखों में वृद्धि का प्रतीक कहा गया है। दोस्तों, विवाह में कन्या अपने वर से सात वचन भी लेती है। ज्यादातर लोगों ने यह बात सुनी है कि विवाह में सात फेरों के सात वचन होते हैं, जिसे वर को जीवन भर निभाना चाहिए। लेकिन उन वचनों का अर्थ क्या होता है, इस बारे में बहुत कम जानकारी है। दोस्तों, यदि आप विवाहित हैं, तो आपको इन शब्दों का ज्ञान पहले से होगा। भारतीय विवाह प्रणाली में सात फेरों का अधिक महत्व है। दोस्तों, क्या आपने ये देखा है कि जब तक सात फेरे पूरे नहीं हो जाते, तब तक विवाह संस्कार पूरा हुआ नहीं माना जाता। न एक फेरा कम, न एक फेरा अधिक। दोस्तों, वैसे इन दिनों कुछ विवाह संस्कार आयोजनों में चार या पांच फेरों में ही काम चला लिया जाता है, लेकिन जानकारों के अनुसार इस तरह के संस्कार सुखद नहीं होते। दोस्तों, विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले सात वचनों के महत्व को देखते हुए यहाँ उन वचनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। पहला वचन, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयं कुर्या वा मांग माया मी तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। दोस्तों, यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्व पितरौ ममापि तथेष भक्तो निजकर्म कुर्या वा मांग माया मी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। दोस्तों, कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुम्ब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सदैव व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। तीसरा वचन, जीवन अवस्थात्रय पालना कुर्यात् वा मांगया मितदा त्वदीयं प्रवीति कन्या वचनं तृतीयं। दोस्तों, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, कुटुम्ब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयं प्रवीति कन्या वचनं चतुर्थ। दोस्तों, कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। दोस्तों, इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवा वचन, स्वसत्य कार्य व्यहार कर्मण्यै व्यय मामापि मंत्र यथा वामांग माया मी तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। दोस्तों, इस वचन में कन्या जो कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।
दोस्तों, यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। छठा वचन, न मे पमान मंग सविधे सखीना द्योतंग न वा दुर्व्यसनंग भंजश्वेत वा माम कमायामी तदा त्वदीय प्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। दोस्तों, कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां और अंतिम वचन, परस्त्री अंग मातुष्मान समीक्षा स्नेह सदा चैन मयिकांत गुरिया वा मांग मायामी तदा त्वदीय प्रूते वच सप्तम मंत्र कन्या। दोस्तों, अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों,